morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Friends, आप सब कैसे हो? Mr. and Mrs. Lifestyle Blog में आपका स्वागत है. आज मैं अपने चैनल पर बनाने जा रही हूँ इडली सांभर और डोसा. वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को प्रेस करना. जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. चलिए शुरू करते हैं सांभर बनाना. सांभर बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल ली है 100 ग्राम, 100 ग्राम मसूर की दाल. अगर आपके पास मसूर की दाल नहीं है तो मसूर की दाल को आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह अरहर की दाल ले सकते हैं. दोनों दालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद कुकर में ऐड कर दिया है. दाल को कुकर में ऐड करने के बाद मैंने सब्जियों को बारीक पीस में कट कर लिया है. सब्जियों में मैं ऐड करूंगी 1 कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, 150 ग्राम तोरी, 1 मीडियम साइज़ का आलू, 150 ग्राम लौकी और 2 मीडियम साइज़ के प्याज. आप सब्जियों में जो चाहे सब्जियां ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल है आप सांभर में ऐड कर सकते हैं. मेरे पास यही सब्जियां थी तो मैं इनसे ही सांभर बनाऊंगी. आप सब्जियों में पेठा भी ऐड कर सकते हैं, गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बैंगन भी ऐड कर सकते हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. कुकर में ऐड करने से पहले मैं सब्जियों को अच्छे से वॉश करूँगी. सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है. वॉश करने के बाद मैं इन सब को कुकर में ऐड करूँगी. अभी मैं इनको कुकर में ऐड कर रही हूँ. और प्याज को मैंने अलग से ऐड किया था, प्याज को मैंने अलग से ही कट किया था. मसाले में ऐड करूँगी मैं सॉल्ट, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर. मसाले ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मसाले आपको अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करने हैं. अभी मैं कुकर में मसाले ऐड कर रही हूँ. 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच हल्दी पाउडर. नमक अपने टेस्ट के अनुसार आपको ऐड करना है, किसी को कम या ज़्यादा पसंद रहता है तो. मसाले आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे का प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें. कुकर में मसाले ऐड करने के बाद मैं पानी ऐड करूँगी. पानी का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है. अगर आपको सांभर पतला पसंद है तो आप पानी उसी के हिसाब से ऐड करें. अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो कम पानी ऐड करें. मैंने कम से कम 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया था. उसके बाद मैं इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करूंगी और कुकर को बंद करने के बाद गैस पर पकाने के लिए रख दूंगी. कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है. उसके बाद कुकर में कम से कम 7 से 8 सीटी आने दें. कुकर में 7 सीटी आ गई हैं. गैस को मैं ऑफ़ कर दूंगी और कुकर को बंद रहने दूंगी. उसके बाद मैं इसका तड़का तैयार करती हूं. तो आगे देखते रहिए. सांभर में तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई यानी कि पीली सरसों, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 20 से 25 कड़ी पत्ता, 3 चम्मच सांभर मसाला. सांभर मसाला मैंने MDH का लिया है. तड़का लगाने से पहले हमें कुकर को ओपन करके देखना होगा जो हमारी सब्जियां थी वो अच्छे से मैश हुई हैं या नहीं. अभी मैंने कुकर को ओपन किया है. जो सब्जियां हैं हमारी अच्छे से गल गई हैं और स्पून की सहायता से अच्छे से मैश भी हो रही हैं. और मुझे सांभर में मसाला कम लग रहा है, हल्दी पाउडर मुझे कम लग रहा है, तो मैं इसमें हल्दी पाउडर तड़के के साथ मिक्स करूंगी. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको मसाले कम लग रहे हैं तो आप तड़के के साथ इसमें ऐड कर सकते हैं. हमें जो सब्जियां अलग अलग दिखाई दे रही थी उनको मैं ग्लेंडर की सहायता से मैश कर रही हूँ. अगर आपके पास ग्लेंडर नहीं है तो आप सिंपल तरीका है कि आप हाथ से मैश कर सकते हो. और ग्लेंडर से और जल्दी मैश हो जाती हैं, इससे थोड़ा अच्छे से भी हो जाती हैं. और जो सब्जियां हैं हमारी अच्छे से मैश हो गई हैं. बिल्कुल अच्छे से भी मैश नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है जिससे कि सांभर है वो खाने में टेस्ट आए. तड़का लगाने से पहले मुझे सांभर में हल्दी कम लग रही थी तो मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया है. और जो 3 चम्मच पहले मैंने सांभर मसाला लिया था तड़का लगाने के लिए, इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी. हल्दी पाउडर और सांभर मसाले को मैं मिक्स कर रही हूँ. इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था. हल्दी पाउडर और सांभर मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया. उसके बाद लगाएंगे हम तड़का.
फैन को मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। ऑयल मैंने 2 बड़ा चम्मच ऐड किया है। आप जैसे कि नॉर्मल दाल में तड़का लगाते हैं उसी के हिसाब से आपको ऑयल ऐड करना है। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें हींग। हींग को ऐड करने के बाद मैंने जीरा ऐड किया था। उसके बाद राई। राई को आप जब भी ऐड करें तो गैस को धीमे फ्लेम पे कर लें, जिससे कि राई है वो इसते नहीं। उसके बाद मैंने साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता को ऐड किया था। उसके बाद जो मैंने हल्दी पाउडर और सांभर मसाले का घोल था उसको भी ऐड कर दिया है। मसाले को कम से कम 1-2 मिनट तक पकाना है। आप देखिए जो हमारा मसाला है उसका कलर कितना अच्छा है। हमारा सांभर बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। मसाले को 1-2 मिनट हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन भी हो गया। उसके बाद मैं इसको कुकर में ऐड करूंगी। सांभर में तड़का लगाने के बाद मैं सांभर को गैस पर कम से कम दोबारा से 30 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने गैस पर सांभर को दोबारा से पकाने के लिए रख दिया है। इतने हम इसमें ऐड करने के लिए इमली तैयार करते हैं। सांभर में इमली ऐड करने के लिए मैंने 40 ग्राम इमली ली है। इसमें मैं गर्म पानी ऐड करूंगी। गर्म पानी आपको इतना ऐड करना है जिससे कि हमारी जो इमली है वो अच्छे से पानी में भीग जाए। आप देखिए मैंने इतना पानी ऐड किया है, हमारी इमली अच्छे से डूब गई है। इमली को हमने 10 मिनट तक पानी में भिगो कर रखा था। और जो इसका पल्प है इसको हम निकालेंगे और जो इसका फाइबर है इसको हम अलग हटा देंगे। आप देखिए इमली हमारी अच्छे से मैश हो गई है। आप इसको छलनी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, इसके पल्प को और इसके फाइबर को अलग बाउल में रखें। हमने जो इमली का पल्प निकाला था उसको मैं सांभर में ऐड करूंगी। पहले आपको इमली थोड़ी कम ही ऐड करनी है, ऐसा ना हो कभी ज़्यादा खट्टा हो जाए। आपको टेस्ट करके देख लेना है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो कम ऐड करें इमली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। सांभर को 30 मिनट हो गए हैं गैस पर पकते पकते और सांभर हमारा बनकर तैयार हो गया है। सांभर के साथ बनाएंगे हम इडली और डोसा। डोसा और इडली का प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सांभर को मैंने कुकर से अलग कंटेनर में निकाल लिया है। अब देखिए सांभर का कलर है जो कितना अच्छा है, खाने में बहुत ही टेस्ट आने वाला है। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। इडली बनाने के लिए मैं 500 ग्राम सूजी ले रही हूँ, 200 ग्राम दही। दही अगर ज्यादा खट्टी है तो आप 150 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 200 ग्राम ली है क्योंकि वो ज़्यादा खट्टी नहीं है। इन दोनों को बैटर तैयार करने के लिए मैं सूजी में ऐड करूंगी दही। 3/4 के करीब इसमें पानी ऐड करना है, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। पहले दही को और सूजी को अच्छे से मिक्स करना है। बैटर में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, अगर गुठलियाँ रह गई तो हमारी इडली बिल्कुल भी फ्लफी और सॉफ्ट नहीं बनेंगी। गोल को देखिए, आपको अच्छे से बिल्कुल तैयार करना है। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। गोल तैयार होने के बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ दूंगी। 1 घंटे बाद देखिए आप, इडली का जो मिक्सर है वो अच्छे से फूल गया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन इनो, सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने अभी इसमें 1 पाउच इनो, सॉल्ट अपने स्वादिष्ट के अनुसार ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद बनाएंगे हम इडलियाँ। इडली बनाने से पहले मैं इडली मेकर में घी लगा रही हूँ। घी मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि इडली चिपके नहीं, आसानी से निकले। उसके बाद हम फिल करेंगे इसमें इडली बैटर को। इडली मिक्सर को मैं हाफ क्वांटिटी में ऐड करूँगी। हाफ क्वांटिटी में इसलिए ऐड कर रही हूँ, इडली हमारी हाफ क्वांटिटी से ज़्यादा फूलती हैं तो आप सबको मॉल्स में इतना ही फिल करना है हाफ क्वांटिटी में। जितनी भी मेरे पास इडली प्लेट थी उन सबको मैंने फिल कर दिया है। उससे पहले मैंने कुकर में गर्म पानी रख रखा था, वो अच्छे से बॉयल हो गया है। देखिए थोड़ा ही क्वांटिटी में पानी रखा था, वो भी अच्छे से बॉयल हो गया। अब मैं इडली प्लेट्स को इसमें सेट करूँगी।
अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप सिंपल कुकर में भी इडली बना सकते हैं, जो कि घर में यूज में लेते हैं कुकर, आप उसमें इडली बना सकते हैं आराम से। मेरे पास ये पहले से ही था तो मैं इसमें ही बनाऊंगी, उसके बाद मैं इन सबको सेट करूंगी प्लेट्स को। आफ्टर 10 मिनट्स बाद देखिए इडलियाँ बहुत अच्छे से फूल गई हैं, और मैं नाइफ की सहायता से चेक कर रही हूँ, इडलियाँ अच्छे से पक गई हैं। उसके बाद मैं इडलियों को निकालूंगी, उससे पहले मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इडली मेकर से मैं इडलियों को प्लेट्स में निकाल लूंगी। आप देखिए इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी है, खाने में बहुत ही टेस्ट आने वाला है, आराम से टूट रही हैं। सेम बैटर से आपको डोसा बनाना है तो आप डोसा भी बना सकते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने बैटर को थोड़ा पतला किया है, इसको मैंने पानी ऐड किया था। आपको इतना ही पतला बनाना है जितना कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसके बाद बनाऊंगी मैं डोसा। डोसा बनाने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, और मैंने एक कड़छी इस पे बैटर डाला है, उसको मैं अच्छे से स्प्रेड करूंगी। आपको धीमे हाथ से स्प्रेड करना है, डोसा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनने वाला है। डोसा हमारा अच्छे से स्प्रेड हो गया है, उसके बाद मैं गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। जो हमारा बैटर है वो साइड से सूख गया है, मैं इसमें लगाऊंगी घी। घी मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि जो हमारा डोसा है वो आसानी से निकल जाए, और मैं इसको तब तक सेकती रहूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। डोसा हमारा एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं इसको कड़छी की सहायता से आराम से पलट दूंगी। दूसरी तरफ से हमें 1 मिनट तक सेकना है, और देखिए डोसा हमारा कितना क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्ट आने वाला है। डोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये है हमारा प्लेन डोसा। आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि आगे मैं आपके लिए क्या बनाऊं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।